नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में जिसके सहारे आप मौत को छोड़ कर के सभी रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जी हां, दक्षिण भारत में साल भर फली देने वाले पेड़ होते हैं, इसे सांबर में डाला जाता है। वहीं उत्तर भारत में यह साल में एक बार ही फली देता है। सर्दियां जाने के बाद इसके फूलों की भी सब्जी बना करके खाई जाती है, फिर इसकी नरम फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसके बाद इसके है आयुर्वेद में 300 रोगों का सहजन से उपचार बताया गया है। इसकी फली हरी पत्तियों एवं सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें इसके फूल उदर रोगों एवं कफ रोगों में, इसकी फली वात एवं उदर शूल में, पत्ती नेत्र रोगों में, मूंछ, शायटिका, गठिया इत्यादि में उपयोगी होती है। जड़ दमा के लिए, जलोदर के लिए, पथरी के लिए, प्लीहा रोग के लिए उपयोगी होती है तथा छाल का उपयोग शायटिका, गठिया, यकृत इत्यादि रोगों के लिए श्रेयस्कर माना जाता है। सहजन के विभिन्न अंगों के रस को मधुर, वातधन, रुचिकारक, वेदनाशक, पाचक इत्यादि गुणों के रूप में जाना जाता है। सहजन के छाल में शहद मिलाकर के पीने से वात एवं कफ रोग शांत हो जाते हैं। इसकी पत्ती का काढ़ा बनाकर के पीने से गठिया, शायटिका, पक्षाघात, वायु विकार में शीघ्र लाभ पहुंचता है। शायटिका के तीव्र वेग में इसकी जड़ का काढ़ा तीव्र गति से चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। मोच इत्यादि आने पर सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर के सरसों के तेल में डालकर आंच पर पकाएं तथा मोच के स्थान पर लगाने से शीघ्र ही लाभ मिलने लगता है। सहजन को 80 प्रकार के दर्द एवं 72 प्रकार के वायु विकारों का शमन करने वाला बताया गया है। इसकी सब्जी खाने से पुराने गठिया, जोड़ों के दर्द, वायु संचय, वात रोगों में लाभ होता है। सहजन के ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है। सहजन की सब्जी खाने से गुदे और मूत्राशय की पथरी फट करके निकल दूर होती है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सिंधा नमक और हींग डाल करके पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। इसके पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़े निकालता है और उल्टी दस्त को भी रोक देता है। इसका रस सुबह शाम पीने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। इसकी पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसकी छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है। इसके कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर हो जाती है। इसकी जड़ का काढ़े को सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरान दौरा जो पड़ता है वो रुक जाता है, उसमें लाभ होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक होते हैं। सरदर्द में इसके पत्तों को पीस करके गर्म करके सिर में लेप लगाएं या इसके बीज सूंघ करके आप दूर कर सकते हैं। घिस करके सूंघे, इससे सरदर्द दूर हो जाता है। इसमें दूध की तुलना में 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम और दुगना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सहजन के बीज से पानी को काफ़ी हद तक शुद्ध करके पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज को चूर्ण के रूप में पीस करके पानी में मिलाया जाता है। पानी में घुलकर यह एक प्रभावी नेचुरल क्लेरिफिकेशन एजेंट बन जाता है। यह न सिर्फ पानी को बैक्टीरिया रहित बनाता है बल्कि यह पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है, जिससे जीव विज्ञान के नज़रिए से मानवीय उपभोग के लिए अधिक योग्य बन जाता है। कैंसर एवं पेट इत्यादि शरीर के आभ्यंतर में उत्पन्न गांठ, फोड़ा इत्यादि में सहजन की जड़ का अजवाइन, हींग और सौंठ के साथ काढ़ा बना करके पीने का प्रचलन है। यह भी पाया गया है कि यह काढ़ा साइटिका यानी कि पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, लकवा, दमा, सूजन, पथरी इत्यादि में लाभकारी होता है। सहजन के गूंद को जोड़ों के दर्द और शहद को दमा इत्यादि रोगों में लाभदायक माना जाता है। आज भी ग्रामीण की ऐसी मान्यता है ग्रामीणों की कि सहजन के प्रयोग से विषाणु जनित रोग चेचक के होने का खतरा टल जाता है। सहजन में हाई मात्रा में ओलिक एसिड होता है जो कि एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड फैट होता है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। सहजन में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन सी शरीर के कई रोगों से लड़ने में मजबूत बनाता है, खासतौर पर सर्दी जुकाम से। अगर सर्दी की वजह से नाक का बंद होना आपके लिए आम बात है तो सहजन को आपको उबाल करके पीना है। इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और इसका भाप भी आप ले सकते हैं।
इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और सीलियम भी होता है। इसका जूस गर्भवती को देने की सलाह दी जाती है। इससे डिलीवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलीवरी के बाद भी मां को तकलीफ कम होती है। सहजन में विटामिन ए होता है जो कि पुराने समय से ही सौंदर्य के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इस हरी सब्जी को अक्सर खाने से बुढ़ापा दूर रहती है। इससे आँखों की रोशनी भी अच्छी होती है। आप सहजन को सूप के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इससे शरीर का रक्त साफ होता है, पिंपल जैसी समस्याएं आपसे दूर भाग जाती हैं, सही हो जाते हैं, खून अंदर से आपका साफ हो जाता है, यानी कि ब्लड भी आपका क्लीन हो जाता है। इसीलिए ये मौत जैसी घातक बीमारी को भी दूर भगा देती है आपसे। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।